Uh, by ways, way of guilt? Uh, in both ways. है। है? Islam believes in the happy endings. And some of the greatest uh, masterpieces that we see in the West today, they're all tragedies. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to another episode of the Book Review Series. And Ham inshallah, Uh, जिस बुक पे बात करने वाले हैं इट्स ए क्लासिक इंग्लिश नॉवल और बेसिकली इट्स अ वेरी फेमस वन और वाई वी चूज़ दैट बिकॉज इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी एक छोटा सा नॉवल है और वी हैव मैनी लेसन्स टू लर्न फ्राम द स्टोरी इज बल तो बेसिकली द बुक इज़ द स्ट्रेंज केस ऑफ डॉक्टर जैकल एंड मिस्टर हाइड और uh, Uh, इसके अंदर वर इज़ एर अबाउट इन वो पूरी डिस्कशन हम अभी हमारी इस एपिसोड में होगी एंड वो इज़ दि ओवरऑल थाट लेकिन uh, एक बात बता uh, वाज करता चलूँ कि बेसिकली इस नावल के अंदर द स्टोरी इज़ अबाउट ए पर्सनस खानशियस जिसको हम ज़मीर कह सकते हैं और uh, अगर हम देखें कुरान मजीद में अल्लाह ने अल्ल्ला नेरतम्स तो के अंदर <clears throat> जब नफ्स की कसम खाई और दस कस्में खाई उन दस कस्मों के बाद अल्लाह ताली ने नफ्स के बारे में ये बात जिक्र की कि फिर अलहम फुजू रहा वतवाहा कि अल्लाह ताली ने उस नफ़्स के अंदर Uh, अच्छाई का मादा भी रखा है और बुराई का मादा भी रखा है और इंसान को ज़ाहिर अल्लाह ताला टेस्ट करते हैं तो यानी इंसान के पास चॉइसेस होती हैं तो हाउ दिस आइडिया कंटेक्चुलाइज़ज़ज़ज़ज़ज इन ए परसनस लाइफ और किस तरीके से वो अपने ज़मीर को और इस तरीके से अपना जो उसके एक ईवल साइड है उसे किस तरीके से वो इन दोनों के दरम्या ज़िंदगी गुजारता है सो दिस इज़ गोइंग टू बी आर टेज टॉपिक एंड विद दैट इनशा आई वो लाइक टू इंट्रोड्यूस माई गेस्ट एज़ वेल और एज़ यूजल मेरी मदर मेरे साथ हैं इन और हम इस पर इंशाला डिस्कशन करेंगे आज हाँ सलाम वा वेलकम टू द शो बिफोर आई बिगेन यू वर द आर दन तो वट वॉज द रीज़न बिहाइंड दैट यानी बहुत से नावल्स हैं इंग्लिश नावल्स हैं और इंटरेस्टिंग कहानियाँ भी हैं उसमें सो वाई दिस स्पेसिफिकली डॉक्टर जैकल एंड मिस्टर हाइड मतलब मुझे इंटरेस्टिंग स्टोरी है एंड आई डू अंडरस्टैंड के इंटरेस्टिंग प्लॉट है बट वट वॉज योर

अच्छा है? पाकिस्तान में पाकिस्तान में भी और बहुत सारे अच्छा। जो आ, करिकुलम्स हैं उन्होंने अपने लिटरेचर की बुक्स में इस नावल को इंट्रोड्यूस कराया है ठीक है इस वक्त भी कई स्कूलों में ये मेरा ख्याल है ग्रेड एट के लेवल में ये नावल अच्छा। पढ़ाया जा रहा है अच्छा इसकी स्टोरी ने मुझे हमेशा से इंट्रीक किया था बचपन से ही मुझे ये याद है और बहुत सारी चीज़ें इसके साथ सीखने का मौका मिला इसीलिए मैंने इंसिस्ट किया कि इसको हम नावल को पकड़ते हैं और बिल्कुल बिल्कुल इसी ही कॉन्सेप्ट के साथ जो अभी आपने जिक्र किया कि अल्लाह ताला ने इंसान को फिलहा फजू रहा व तखवा और सुराव में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इंसान के साथ जो है ना करीन होते हैं ठीक है एक अच्छा और बुरा और हर इंसान पैदा होता है एक अच्छे फरिश्ते के साथ ये हम कुरान की डेमोनोलॉजी ले रहे हैं और एक हर इंसान पैदा होता है एक बुरे शैतान के साथ कह लीजिए ठीक है उसके साथ पैदा होता है तो कहानी बड़ी सिंपल सी है बड़ी छोटी सी है बड़ी मज़े की है बच्चों के बिल्कुल स्टैंडर्ड की है लेकिन सबक बहुत गहरा है और सबक जो है वो लाइफ लॉन्ग है सबसे पहले कहानी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं तो उसके बाद ना बीच में से सबक भी हम इन फिर निकालते हैं कहानी सिंपल सी है कि डॉक्टर जैकल जो है एक बड़ा अच्छा आदमी है ऐसा जैसा कि होना चाहिए माशरे में एक जेंटलमैन होने की एम्बॉडीमेंट है और लेकिन क्या है कि कभी कभी उसको अच्छा नहीं लगता एक्साइटमेंट नहीं है थ्रिल नहीं है लाइफ में तो उसका कभी कभी दिल चाहता है कि कभी मैं भी वो करूँ ना जो कि गैंगस्टर्स करते हैं ठीक है तो वो क्या करता है कि वो अपने लिए कोई दवाई बनाता है और वो दवा बना के क्या करता है, है। पोषण सा बनाता है वो दवा वो बनाता है तो क्या होता है कि, कि वो कुछ अरसे के लिए मिस्टर हाइट बन जाता है अच्छा शुरू में तो वो जब मिस्टर हाइट बना तो वाह उसको तो लगा कि एकदम मेरी लिबरेशन हो गई है मैं तो आज़ाद हो गया हूँ क्या माशरे के लगे बंदे असूलों के मुताबिक free और नेकी के जी जी तो मैं फ़्री ऑफ कॉन्शियस हो गया हूँ और मैं तो जनाब उड़ता फिर रहा हूँ ही रियली इंजॉयड इट वेरी मच लेकिन उसके साथ चूंकि वो असल में एक अच्छा आदमी था और ही हैड बीन रीपिंग द बेनिफिट्स ऑफ बींग गुड उसको अच्छे होने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी थे उसकी माशरे में एक हैसियत थी उसकी आइडियोलॉजी थी उसकी अपनी वैल्यूज़ थी तो उसने कहा कि उस रहना तो मैंने वही है डॉक्टर जैकल ही रहना लेकिन ये कि मिस्टर हाइड वाले बात कभी कभार के ठीक है अच्छा बड़ी सिंपल सी बात है कि वो उसके बाद क्या हुआ कि उसने वो पोषण कभी कभी ले लेता महीने के बाद और क्या होता है कि फिर वो आ, मिस्टर हाइट बन, बन जाता है शुरू में तो वो सिर्फ और सिर्फ एक आप कह लीजिए कि एक जो है ना फ्री स्पिरिट की तरह फेरा लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसने लोगों को तंग भी करना शुरू कर दिया क्योंकि जब आपकी आजादी बच्चों, बच्चों को खासतौर पर तंग करना जब आपकी आज़ादी एंडलेस हो जाती है ना तो फिर दूसरों की आज़ादी मुतासर होने लग जाती है ना अच्छा करते करते उसने ये नोट किया कि पोषण जो था उसका असर कम होने लग गया और उसने देखा कि जब वो वापस लाना चाहता था ना मिस्टर हाइड को वापस डॉक्टर जैकल के अंदर तो उसको ला नहीं सकता था अच्छा कहानी की एंडिंग जो है बड़ी ट्रैजिक है उसमें क्या है कि वो मिस्टर हाइड जो है वो फिर पोषण का असर का, 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 कम होने लग गया और मिस्टर हाइड की ताकत बढ़ने लग गई और हती कि एक वक्त यह आया कि वो बार बार उसको लाने की कोशिश करता था और वो बार बार उसके कब्ज़े से निकल जाता था हती कि पूरा डॉक्टर जैकल ने क्या किया कि एंड पर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया क्योंकि उसको नजर आ रहा था कि ये बल्कि उसने शायद कोई कतल वतल भी कर दिया मैंने तो बचपन में कहानी जी हाँ मैंने पढ़ी थी आपने अभी पढ़ी तो ये है कि उसने बंदे को भी कतल कर दिया लाइक ऑबियसली दिस वॉज अनएक्सेप्टेबल तो क्या हुआ कि फिर उसका आखिरी अंजाम बस यही हुआ कि उसने अपने आप को जो है ना कतल कर दिया ताकि मिस्टर हाइड को यानी खुदकुशी कर ली ताकि मिस्टर हाइड को खत्म किया जा सके अच्छा

हाँ, the more it it. will empower you, uh, overpower more, you and you overpower and kind of start fueling hmm. ये, ये जो है ना तसवूर, hmm. वो हमारा जो दीन का तसवूर है ना कि ईमान जो है वो घटता और बढ़ता रहता। hmm, ठीक है ना? नेकिया करेंगे तो आपकी एक गुड साइड जो है वो तखबे वाली साइड ओवर uh, पावर करेगी डोमिनेट करेगी और अगर आप करे गुनाह करेंगे तो आपकी ईवल साइड जो है डोमिनेट करेगी और इसलिए वो जो नफसे अमारा और नफ्स लबामा का जो कॉन्सेप्ट हमारे ने दिया हाँ। और दीन से लिया और फिर उसके बाद तो उसका जो एंड रिज़ल्ट है जो हर इंसान की ख्वाहिश है नफ्समतम ठीक है ना अच्छा आप इसमें यह देखिए कि ये जो है ना ईमान के घटने और बढ़ने का आप आ, हम हमें पता है इस बात का कि कुरून उला में इस तस्वर ने उस वक्त के जो लैनड लोग थे उनको बहुत ज़्यादा मुतासर किया था बहुत सारे लोग इस बात के ऊपर गए थे कि अगर कुफर आ, आ, काफिर जो है उसकी नेकियों का कोई फायदा नहीं है तो ईमान वालों को उसके गुनाहों का भी कोई नुकसान नहीं होना चाहिए बिल्कुल ऐसे याद है ना नाजिया और कदरिया और जबरिया और इन्होंने बड़े लोगों को है और ये इनका कई कई का जहरूर जो है नबी अकरम इक्रीम के जमाने में भी हो गया है नबी अकरम अक्रमल ने भांप लिया कि ये कहाँ पे जो है ना ये सोच लेके जाने वाली है और फिर बाद में जो है फिर ये बहुत आगे चली बहरहाल तो इसकी जो मुझे जिस चीज़ ने बहुत ज़्यादा मुझे वो एक आप कह लीजिए कि स्ट्राइक किया वो ये था कि वो जब उसने बुराई करनी शुरू की तो बुराई ताकतवर होती चली गई और करते करते अब वो चाह रहा है कि मैंने बुराई से बचना है लेकिन बुराई ने उसको काबू कर लिया और ये जो है ना एक ज़िंदगी की कहानी है कहाँ पे एक मुजरिम और एक अच्छे इंसान क्योंकि जमीर तो अच्छे इंसान के साथ बुरे इंसान के साथ भी लगा हुआ है ना और जुर्म करने वाला भी कोई जुर्म करके खुश नहीं है वो थीन सी लाइन कहाँ पे क्रॉस हो जाती है जहाँ पे कंट्रोल ख़त्म होने लग जाता है ये इस चीज़ ने मुझे जो है ना बहुत ज्यादा इंट्रीक भी किया और बहुत ज्यादा मुतासर भी किया और वो आप देखिए जरा पढ़िए वो आयत वमैयाशन दिक्रहमानेलहू शेख़ानन फूल करीन जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल होता है ये जो दिल है ना ये अल्लाह का घर है इसमें अल्लाह का नूर है इसको ज़रा सी अगर हम इसको जगह देंगे ना तो एक दम इवल जो है ना इसमें अपनी जगह बना लेता है और इवल और अल्लाह इज़्ज़त की जो मौजूदगी ना ये दो एक ऐसी चीज़ें हैं कि एक ही रहता है और बस फिर क्या होता है इसको नर्चर करना शुरू कर देते हैं हम तो फिर क्या होता है ये बढ़ने लग जाता है और जब ये बढ़ने लग जाता है तो फिर ये इंसान को वहाँ तक पहुँचा के लेके ले जाता है जहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं होता और इसी तरह से आप ये देखिए कि जो निकी का तस्वुर है वो भी इंसान के अंदर डेवलप होता है अब ये आप ये देखिए कि जो हमारे दीन में वो जो मैंने अभी आपके सामने आयात पढ़ी ना जो काफ़ की आयात हैं जिसमें वो जो है करीन का ज़िक्र है ठीक है वहाँ पर उसके लिए बड़ी ख़ूबसूरत एक हदीस है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि अल्लाह के रसूल सब ने जब इस बात का जिक्र तस्करा किया अपने घर में कि एक इंसान का एक साइड गुड साइड होती है और एक बैड साइड होती है बल्कि अल्लाह के रसूल सब ने फरमाया कि बंदा एक पैदा होता है तो उसके साथ एक उसका बुरा सेल्फ पैदा होता है और एक अच्छा सेल्फ पैदा होता है तो सैयद आयशा ने उनसे सवाल किया उन्होंने कहा के रसूल आपका भी कोई बुरा सेल्फ है तो अल्लाह के रसूल ने उस पर कहा हाँ था लेकिन वो मुसलमान हो गया वहाँ पर जिन का जिक्र है ना जिन जिन, जी जिन जी का जी जी, जी। यानी एक फरिश्ता आपके साथ है और एक आपके साथ जिन है जो लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहता है और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने उसको यानी अपना मुती कर दिया यानी वो अब नाओ ही सबमिसिव टू मी और आ, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात इसमें माँ जी वो ये है कि इस पूरी यानी जो एक यानी एक क्वेश्चन ख़ास तौर पर एक यंगस्टर के लिए ख़ास तौर पर आता है कि इस कहानी से हमें एक ये भी आइडिया मिलता है कि एक नेक बंदा Uh, यानी अच्छा बंदा अगेन वी बनता टॉकिंग अबाउट इन दैट कॉन्टेक्सट वो अच्छाई कर करके किस्म का बॉडम का शिकार हो रहा लेकिन इज एन इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग जब वो सिनिस्टर साइड पे जाता है अपने और मिस्टर इज़ सिनिस्टर साइड और वहाँ पे उसको एक एक्साइटमेंट मिलती है एंड दैट इज़ सो मच अपीलिंग कि वो आहिस्ता आहिस्ता उसको डोमिनेट करना शुरू कर देती है टू द एक्सटेंट दैट ही बिकम्स काइंड ऑफ एडिक्टिव टू दैट साइड ख्वाहिश जो है ना वो डोमिनेट नहीं करती है अच्छा आपका उसके ऊपर एक्शन लेना डोमिनेट करता है नहीं, नहीं मतलब कहने का मतलब है कोई बंदा ये कह सकता है कि इट uh, दैट नेकी जो है वो उस तरह प्लीजिंग नहीं है जिस तरीके से एक सें प्लीजिंग है कोई इस तरह मगर ये बात ना? तो दुरुस्त है ना ये दुनिया जो है इसकी ही सारी ये है कि जो डिलेड uh, ग्रेटिफिकेशन है ग् ना इस साउंड बोरिंग इट सीम्स बोरिंग। के के अंदर अंदर इमीडिएट है, हाँ। है इंस्टेंट और नेकी के है। हाँ। अच्छा इसके साथ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है।, uh, है जब वेन इट कम्स टू ब्रेन तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो साइकोलॉजिस्ट के पास हैज कंट्रोल ब्रेन का कंट्रोल है के दिल का ठीक है और हमें कई दफा ये लगता है हमें जो साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है जो साइंस बेस्ड है यानी डेटा बेस्ड है हमें जो साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है वो हमें ये पढ़ाई जाती है ब्रेन है ना इट्स माइंड साइकोलॉजी इज़ द हाँ साइकोलॉजीड इन तो fact. आपका क्या ख्याल है कि ब्रेन सब्जुकेटेड है कि ब्रेन जो है ना इट्स जो है ऑफ द विल है हाँ क्लासिकल स्कॉलर्स ने तो हमारे यहाँ जो इस्लामिक साइकोलॉजी में बेसिकली दिल की बात होती है और वहाँ पर इस्लामिक साइकोलॉजी का इंटीग्रल पार्ट बेसिकली जो एक एक होलिस्टिक जिसे कहते हैं अप्रोच उसमें दिल भी है इन्वॉल्व और क्लासिकल स्कॉलर्स ने प्राइमारि दिल को ही फ़ोकस किया क्योंकि हदीस में भी अल्लाह के रसूसम के ना अला इन फिल जसदी सल सल जसद मुब़ादा सलोह सलोहल जसदकुल्लह फसलकुल्लह अला वहीकल के इंसान के जिसम में एक गोश्त का टुकड़ा है जब वो वो सही होता है तो पूरा जिसम सही हो जाता है और जब वो ख़राब होता है तो पूरा दिल ख़राब हो जाता है और आपने फरमाया कि वो दिल है और इबनियीम रहमल्ला और इस तरीके से इबन तयम रही ने इसको एक बादशाह के तौर पर कहा कि एक सुल्तान है और उसके कंट्रोल में पूरी आर्मी है या पूरी डोमिनियन है उसकी एक रिस्ट्रिक्शन है और वो जैसा है उसका तो अब जितना ज़्यादा वो पावरफुल होगा दिल किसी भी साइड पर चाहे वो नेगेटिव साइड पर हो चाहे अच्छी साइड पर होगा तो वो डायरेक्टली वो इन्फ्लुएंस करेगा इंसान को और दिमाग जो है दैट इज़ एक्चुअली दैट फैसिलिटेट्स इस इस काइंड काइंड ऑफ ऑफ अ अ फैसिलिटेटर फॉर द हार्ट इनफैक्ट तो अगेन द रियल थिंग और इसीलिए शैतान का भी जो हमला है बेसिकली वो दिल पर होता है ना कि जैसे हदीस में ना अल्लाह इन यू ही विस्पर्स द द हार्ट्स ऑफ पीपल और इस तरीके से अल्लाह के रसूल की वो भी मशहूर हदीस है कि वह जर सफ़िया वाली कि वह इन्नी अकाफो फ़फ़ी कलूबी कुमार शैन के अल्लाह के रसूल सलम एक दफ़ा सईदा सफिया के साथ रात को खड़े हुए थे आपसे कोई काम से थे आप आई तो दो सहाबी गुजरे उन्होंने देखा कि एक ख़ातून अल्लाह के रसूल के साथ खड़ी जाहिर लाइट वगैरह नहीं होती थी रात के वक्त वहाँ पर रोशनी इलेक्ट्रिसिटी तो उन्होंने देख के तेज़ी से चलना शुरू कर दिया तो अल्लाह के रसूल ने उनको बुलाया कहा अल रिसमा आहिस्ता चलो ये मेरी वाइफ है इन्ह सफ़िया तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल सुबहान अल्लाह हम कैसे इमेजन कर सकते हैं आपके बारे में बुरे मैंने कहा तुम तो इमेजन नहीं कर सकते लेकिन वो इन्नी अख़ाफ हूँ तो मुझे डर लगता है कि शैतान तुम्हारे दिल में कोई चीज़ ना डाल इस ना है यजरी शैतानी औजरदम तो इससे पता चला कि बेसिकली आइडिया इज के ये जो एक दाइया है ना या ये एक टेम्पटेशन है ना इट्स देयर जितना मर्जी कोई सेंट हो जाए ना जितना मर्जी वो अपने आप को कंट्रोल कर ले उसके बावजूद इसका हमेशा एहतमाल रहता है इसीलिए तो कहते हैं ना कि एवरी सिनर जो है उसका फ्यूचर हो ना, ना, सकता है और एवरी सेंट, सेंट का जो है ना वो कोई पास्ट होता है अच्छा ये एक सवाल पैदा होता है कि मतलब जैसे अभी हाइट की भी जो अगर हम एग्जाम्पल दें तो वहां पर रही है हमें नजर आ रहा है ना और आहिस्ता आहिस्ता उसके लिए ओवरकम करना उसको मुश्किल हो रहा है सवाल ये पैदा होता है कि कई जैसे मिसाल के तौर पे सवाल यूथ की तरफ से आते हैं कि दे हैव लेफ्ट द सिंस और एक बुरी जिंदगी गुजार दी है तोबा और कर लिया सारा कुछ कर दिया लेकिन वो दास्ट एक्चुअली इन हॉन्गली या फिर इन बोथ फेस ये दो ही एक्सप्रेशन हो hmm. सकते हैं यानी आपको दो वजह से ही हॉन्ट कर सकता है ना या तो वो इन फॉर्म ऑफ गिल्ट करता है hmm. या वो इन फॉर्म या फिर आप मिस करते हो उस को वो, वो जो, जो आपने छोड़ दिया और hmm. आप उससे भागने कोशिश करते हो वो और तो अगर वो गिल्ट इन फॉर्म ऑफ गिल्ट हो क्योंकि देखिए यहाँ पे भी गिल्ट का हमें नजर आ रहा है

जमीर भी नहीं मरता ज़मीर की जो प्रिक है वो भी ऑलवेज देर रहती है ठीक है ना वही ज़मीर की प्रिक थी जिसने डॉकल डॉक्टर जैकल से बाद में ख़ुदकुशी तक करा दी कि आई शुडेंट बी हार्मिंग पीपल एनी मोर मैं किसी खुदकुशी के नज़रिए को प्रमोट नहीं कर रही हूँ लेकिन आप ये देखें कि वही उसके अंदर वो खैर की एक चाहत की। थी ना कि ही क्यों वो चाहता था कि दुनिया जो है ना वो मेरी उससे अब मेरी इजा से जो है वो महफूज होनी चाहिए ठीक है ना तो बात है ये जो स्ट्रगल है असल में ये स्ट्रगल इंसान की है ना वही ईमान घटता बढ़ता रहता है अगर ये स्ट्रगल ख़त्म हो जाए ना तो वही जैसे कि जो लोग गुमराह हुए इस मामले में कि जी ईमान जो है वो जामित है अगर उस बात को आ, क, आ, क, का कन्विंस हो जाया जाए तो फिर ना जन्नत दोजत की कोई जरूरत है ना अमल की जरूरत है और हकीकत यह है कि उन लोगों ने करके अमल का इंकार भी किया ना उन्होंने का अमल का इंकार भी किया और बाकायदा यहाँ तक किया कि उनको उनको दी गई क्योंकि उन लोगों ने यहाँ तक कहा कि आपको ला मुह से कहने की भी जरूरत दिल का ईमान जो है वो तस्दीक बल्कि उन्होंने कहा आप जाके बुतों के सामने सर झुका ले सजदे कर ले सब चीजें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अमल और एक्चुअली आपका क्या ख्याल है कि ये फिर आज भी मौजूद नहीं है बिल्कुल मौजूद है हमारे सुफिया का एक तबका ऐसा है जो बिल्कुल जो है ना वो नजरअंदाज करके अच्छा, असल, इस, इसके साथ साथ हमारा एक, एक अ... अभी हम एक क्वेश्चन की तरफ आएंगे किसके पास है दिमाग वाला लेकिन आप बताइए की अगर हम बात करें तो शायद वो इस तरीके से इस चीज़ को आइडियोलॉजिकली शायद ना करें लेकिन वो प्रैक्टिकली यही काम कर रहा है ना मतलब वो सारे हर दुनिया के हर बुरे काम कर रहा है अल्लाह माफ़ करे और इसके साथ साथ इस मुसलमान होने का भी दावा कर रहा है अब हालांकि जब उसको पता है कि एक जन्नत और जहन्नुम का तस्वुर है सज़ा और जजा का तस्वर है तो क्या चीज़ है जो उससे फिर भी जो है ना वो गुनाह होते जा रहे हैं क्योंकि वो अल्लाह ताली की रहमत पर इस तरीके से उम्मीद लगा के बैठा है जैसे तूल अमल कहा और कर्न मरीद ने क्रटिसाइज़ भी किया इस चीज़ को तो वो अल्लाह पर ऐसी लंबी लंबी उम्मीदें बांध के बैठा हुआ है कि जी अल्टीमेटली जन्नत मेरे लिए नहीं तो और किसके लिए है और दूसरी बात यह है कि अल्टीमेटली मैंने तो जन्नत में चले ही जाना है जो मर्जी हो जाए जन्नम तो अल्लाह ने शायद काफिरों के लिए बनाई है सिर्फ मेरे लिए तो नहीं मैंने तो जब इस्लाम होने मुसलमान होने का दावा कर दिया तो एक्शन डू नॉट मैटर एक्सटेंट कि मुझे पता है मेरा अल्लाह इस बड़ा करीबी तालुक एंड दे क्लेम एट द सेम टाइम वाई डूइंग एवरी काइंड ऑफ आई एम वेरी स्परिचुअली कनेक्टेड टू गॉड एंड एंड एंडी उनका अल्लाह ताली के साथ एक रिलेशन इज ओनली ऑन स्परिचुअल प्रैक्टिकल क्या उसका अमली तकाज़े हैं ईमान के जो अमली हैं। हालांकि है, हमारी ईमान की डेफिनेशन के अंदर तीन चीजें हैं ना तस्दीक उम बिलकुल अकरारसान वमल बिलजवार है जब तक ये तीन चीज़ें आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं करेंगे ईमान स्ट्रैंगथन नहीं होगा आपका और ईमान आप अल्लाह के सामने कैसे पेश कर सकते हैं है मैं आपको बड़ी सिंपल लेवल पर बात बताऊँ यह बात बिल्कुल गलत बात है कि मैं स्परिचुअली कनेक्टेड हूँ या ये बिल्कुल बात गलत है। नहीं है मैं आपको इसकी शादी से मिसाल देती हूँ अपने कोलिग्स में अपने घर बार में बहुत सारे लोग आपके साथ मिलते जुलते हैं तो उनमें से आपने अमूमन सोना होगा एक लोगों को अंदाज से बात करते अरे, अरे अरे छोड़ो ना वो दिल का बहुत अच्छा है उसने ये कर दिया वो दिल का बहुत अच्छा है उसकी दिल की बात ही ना करो क्या क्या गुदड़ियों में लाल लाल छुपे हुए हैं ऐसा नहीं होता जो दिल में होता है वही जुबान पर होता है जैसे अभी आपने कहा ना वाम बिलजवार है और ये, ये कॉन्सेप्ट है, है ये। का एक वामेल। वामेल। को कभी अलग किया जा ही नहीं सकता ठीक है अगर कोई आप ढूंढ ढांड के किसी वक्त अल्लाह ताला ने ईमान को अहमियत देने के लिए हमें कोई मिसाल दे दी है जिसमें अमल का फौरी तौर पे जिक्र नहीं हुआ तो हमें दूसरी सारी ढेर सारी नसूस को सामने रख के उसको पैरअप होने से हम हमें इसको दोबारा पैर अप करना है ठीक है तो बाकी ये है कि आइए जरा उस क्वेश्चन की तरफ आए वो जो कि हु इज इन कंट्रोल अच्छा ये जो बात है ना कि दिमाग हमारा जो है हमारी साइंस भी यही कहती है और हमारे जो है ना टेस्ट हो गए हमारे एम हो गए और हमारी जो है ना वो भी यही कहती है कि जी अब वो दिमाग के ऊपर से कंट्रोल ख़त्म हो गया है अच्छा दिमाग के ऊपर से बंदा कंट्रोल कैसे लूज़ करता है बंदा का बंदे का दिल जगह देता है इस सोच को कि दिमाग के ऊपर से कंट्रोल ख़त्म करना है तो दिमाग के ऊपर से कंट्रोल खत्म होने लग जाता है अदरवाइज दिमाग जैसे भी आपने कहा ना फैसिलिटेटर है मैं दिमाग के लिए लफ्स इस्तेमाल करूंगी दिमाग एक कंट्रोल रूम है, सही है। जिसको ऑर्डर्स कहाँ से आते हैं दिल, की तरफ, दिल से। की तरफ से आते हैं और अब तो साइंस भी ये कहती है कि दिल की अपनी इंटेलिजेंस है ठीक है ना और यह है कि ये ऑर्डर दिमाग के पास आते हैं और मैं ये समझती हूँ कि अल्लाह ताला ने जहां पर यह हुक्म यहां पर इसका जिक्र किया ना कि क्यामत के दिन अल्लाह ताला इंसानों को खड़ा करेंगे और जल्दें गवाही देंगी और हाथ गवाही देंगे और पैर गवाही देंगे इंसान के खिलाफ और इंसान कहेगा कि तुमने तो मुझे बर्बाद ही कर दिया ठीक है और क्या है उसके अंदर दिमाग गवाही देगा कि अल्लाह ताला मुझे इसने इस सारे जो है ना ब्रेन फैकल्टीज को इसने तेरी नाफरमाने में इस्तेमाल किया और इसकी मुझे जो समझ आई थी ना एक तो ये इस नावल से समझ आई थी और एक उस हदीस से समझ आई नबी करीम एक खातून के पास से गुजरी गुजरे, गुजरे। जो कि बहुत ही वावेला कर रही थी अपने और किसी के, और आप, आप, तलखीन की औरने तो, औरने उसने के तो उसने बहुत पलट के बुरा सा जवाब दिया ना गुजरी आपके ऊपर नहीं ना गुजरी कहना आसान है और इतना उनका अंदाज जो था वो आगे से वो था कि अल्लाह के रसूल को नजर आ गया कि इसको कहना बेफायदा है आप सला खामोश हो आगे चले गए पीछे से लोगों ने कहा कि आप जो है आपको पता ये कौन थे ये तो अल्लाह के रसूल थे भागी और कहने लगी कि जी अल्लाह के रसूल मैं जो हूँ मैं, तो मैं सबर करती हूँ हु। मैं सबर करती हूँ तो अल्लाह के रसूल ने इस पर क्या फरमाया सबर मुसीबत के पहले झटके पर है। और आज हमें हमारी साइंस ये बताती है कि जब हमारे पास कोई चीज हैपनिंग होती है ना अकरेंस होती है तो हमारे दिमाग के पास कितने सेकंड्स होते हैं डिसीजन करने के कि हाउ टू रिएक्ट थ्री टू फोर सेकंड थ्री टू फोर कर लीजिए जो भी आपने उसके थ्री टू फोर के अंदर अंदर ये स, ये डिसीजन हो जाता है मैंने सबर करना है मैंने पॉजिटिव रहना है मैंने नेगेटिव रहना है मैंने नहीं सबर करना और हमने अपनी नज़रों के सामने एक ही मुसीबत पर एक बंदे को जाने भी हारते देखा है और एक ही मुसीबत पर एक एक बंदे को उसको आ, बहुत बैलेंस्ड अंदाज में और बड़े एक्सेप्टेंस के साथ लेके चलते भी देखा बल्कि उसका आयदा कुछ अर्से के बाद फ़ायदा भी उठाते देखा है कि एक दो इंसानों के एक ही बारे में रवैये क्यों फ़र्क होते हैं दिमाग की वजह से दमाग जो है उसको जो है कमांड्स जो दी गई हैं वो डिफरेंट दी गई हैं और ये जो कमांड्स है ना ये वही कमांड्स हैं जो कि इंसान के, के इख्तियार में है अगर हम ये बात करें, ये बैटल हार्ट राइट

वो उसके कॉन्सिक्वेंसिस को उसको बता रहा है और उसको अंदाजा हो रहा है कि दिस इज़ नॉट गुड फॉर मी ठीक है अब वो एक कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हो गया तो इन दैट सेंस में यानी टू सर्टेन एक्सटेंट क्या हम ये कह सकते हैं कि इवन दो अल्टीमेट कंट्रोल तो दिल के पास है लेकिन इफ़ यू स्ट्रेंथन योर रीजन अब देखें मतलब मैं मिसाल के तौर पे आप बताता हूँ साइकोलॉजी के अंदर पूरा जो आइडिया है द काग्नेटिव रिस्ट्रक्चरिंग का hmm. और बिहेवियरल थेरेपी uh, कि अगर आप अपने दिमाग को अपनी अकल को स्ट्रेंथन कर लेते हैं टू सर्टन एक्सटेंट अगर हम इस्लामिक इस्लामिक सी की बात करते हैं यानी इस्लामिक कागनेटिव बिहेवियल थेरेपी ये तो आपका दिमाग जो है आपका दिल एक चीज़ चाह रहा है करना चाह रहा है और आपका दिमाग जो है नोइंग फॉर अ फैक्ट इस कॉन्सिक्वेंस गलत हैं यानी इसके कॉन्सिक्वेंस हैं और इससे बहुत सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं वो आपको कहता है सजेस्ट करता है नो यू शुड डू दैट लेकिन अल्टीमेटली

एक तो दिमाग फेक नहीं।, नहीं कर सकता सॉरी फेक uh, में और रियलिटी uh, में दिमाग डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता दिमाग को जो है ना ट्रेन किया जा सकता है दिमाग को प्रोग्राम किया जा सकता है और दूसरी बात है दिमाग मल्टीटास्किंग नहीं कर सकता जनाब दिमाग जो है उसकी मजबूरी है वो, वो एक वक्त में एक ही काम कर सकता है ये जो हम करते हैं ना जो हम कभी कभी जल्दी में काम कर रहे होते हैं। थे खासे मोबाइल भी देख रहे हैं खाना भी बन रहा है या कोई काम हो रहा है ये तरह की हम अपने दिमाग को बार बार शिफ्ट कर रहे होते कर रहे हैं इधर और इधर और कुछ चीजें ऐसी होती है जो मसल मेमोरी में होती है तो अगर मेरा हाथ हिल रहा है तो दैट इज एक्चुअली मसल इनवॉल्टेरी उसकी आपकी उसी डोमेन में आ जाती है तो दिमाग की जो लिमिटेशन है अच्छा ये लिमिटेशन सजीव बात है दिल की नहीं है अच्छा यही डिस्कशन इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे क्लासिकल स्कॉलर्स में ये डिस्कशन पाई जाती है कि दिमाग जो है वो सॉरी uh, अक्ल क्या वो दिमाग में है या वो दिल में और हमारे पास इवनक़ीम रही और इस तरह के जो बड़े बड़े हैं उनकी राय यह है कि वो बेसिकली इंसान के दिल में है सो वन यू एक्चुअली अक्ल को अगर आप दिल के साथ uh, कर दें वस्ता कर दें तो उसके बाद फिर ये डिस्कशन शुरू आपकी बात इट मेक सेंस परफेक्टली सेंस के यानी ये जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है एक तरफ मैं करूं या ना करूँ तो बेसिकली ये कॉन्फ्लिक्ट दिल के अंदर हो रहा है राइट के यानी लफ्स नफसे अमारा और नफसे लवामा आपस में एक किस्म के एक कॉन्फ्लिक्ट के शिकार है।, है ना जो इसका नतीजा अमल वो भी दिल को मिल रहा है अच्छा, दूसरी तर, तरफ दूसरी तरफ हमारे पास ऐसे स्कॉलर्स हैं जो बेसिकली अकल को कहते हैं दिमाग में है और फिर वो ये कहते हैं कि वन वे टू एक्चुअली ओवरकम दीज डिजायर एक्सटेंट वो कहते हैं कि आप अपनी मेंटल फैकल्टीज को इतना स्ट्रांग करो कि वो आपको इस तरीके से नतीजे के ऊपर खास तौर पर आपको कायल करें कि जी के यू टाइम्स और आपको नहीं मैं इमोशनल अपील को छोड़ के मैं एक रीजनेबल डिसीजन मेकिंग लॉजिकल उसमें अच्छा ये जो अभी आपने कहा ना कि अपने दिमाग को इतना स्ट्रॉन्ग करो इस प्रोसीजरल जैसे आपको याद है हमने जब डोवा में नेशन की थी जी जी, तो हमने उसको कहा था कि बैड हैबिट्स भी वहां तक पहुंचने के लिए बहुत लंबा सफर करके आती हैं यही वजह है, तो अब हमने रिवर्स करना होता है ना तो हमें वो सफर चले उतना ना सही लेकिन बाहर वो भी एक लंबा सफर करना पड़ता है ठीक है क्योंकि बिहेवियर्स आर फॉर्म्ड दैट्स वाइड बिहेवियर्स आर मॉडिफाइड ठीक है ना तो ये जो आपने बात की ना कि दिमाग को इतना स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है दिस रिक्वायर्स अ लॉर ऑफ वर्किंग और एक कॉन्सिक्वेंशल जो है ना चेन ऑफ वर्क जो है ना एक्शन जो है वो जो है ना इसको वहां तक पहुंचाता है अगेन इंसान की आजमाइश ही यही है

फिर आपने फरमाया कि फिर अय्यूकलब फिर आपने कहा दो तरह के दिल होते हैं फ़े आयू कल्बिन उशरीबाहा नु़ीत फ़ी नुता सऊदा कि जो दिल उसको चूस लेता है उसको सक कर लेता है तो वो दिल जो है वो स्याह होता है यहाँ तक कि वो बढ़ते बढ़ते बिल्कुल ख़राब हो जाता है और काला स्याह हो जाता है फिर आपने दूसरे दिल की मिसाल दी फ़यो कलबिन अनका नक़ीदत फ़ी नुताबा कि जो दिल उसको रिपेल करता है रिजस्ट करता है उस फितने को और वह फितना डिज़ायर भी हो सकती है डाउट भी हो सकता है कोई भी

और दूसरा जो है वो सफ़ेद चट्टान की तरह बन जाता है पत्थर की तरह इतना स्ट्रांग हो जाता है इम्यूनिटी बन जाती है आपने फरमाया कि यहाँ तक कि ला ला यदुरहुफित लातरुहूफ नतमामत समावत वाल फिर वो एक स्टेट में ऐसे आ जाता है वो दिल कि फिर आसमान और ज़मीन जब तक कायम है कोई फितना उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता यानी एक इम्यूनिटी यानी आपका दिल आपने एक रेजिस्टेंस कर करके ऑल अबाउट रेजिस्टेंस तो हमारे यहाँ जो मॉडर्न साइकोलॉजी के अंदर ये आइडिया है बहुत ज़्यादा कि जी द मोर यू एक्सप्रेस your डिज़ायर्स द मोर देर यू नो दे वुड फ्रस्ट्रेट यू और आप साइकोलॉजिकली उसकी वजह से परेशान पर, होते हैं so you, they, right? uh, तो यू इट्स ऑल अबाउट एक्सप्रेशन राइट यानी मॉडर्न साइकोलॉजी इज ऑल अबाउट एक्सप्रेशन जेंडर के अंदर प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसको एक्सप्रेस करो इवन अनफॉर्चुनेटली मैं अल्लाह माफ़ करें बड़ी फसूल और गंदी मिसाल है लेकिन जस्ट टू एक्सप्लेन दैट वो पिछले दिनों वो जिस तरीके से हमारे यहाँ अवार्ड होते हैं बॉलीवुड और हॉलीवुड के अवार्ड होते हैं तो इस तरीके से मैं वो एक आर्टिकल पढ़ रहा था तो उसके अंदर वो एक uh, पॉइंट स्टार है खैर से तो वो अपना उसको अवार्ड मिला तो उसकी स्पीच थी एंड आई टू टू नो इज शी शी गोइंग से दैट एंड लिटरली लिटरलींक्ड आई मीन दैट स्टार्टेड ऑफ दैट स्पीच एक्चुअली स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम दी वाई रीडिंग के आई थैंक सच एंड सच पर्सन फॉर गिविंग मी दी अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस माई सेल्फ I was was thinking, what what kind of expression is that? Means, the Like, talent involved? I mean, uh, okay, so टैलेंट एक अलग चीज है इट अबाउट एक्सप्रेसिंग यूर सेल्फ वेदर इट्स अ बैड साइड अगर आपका evil है तो उसको भी अपने करना है अगर आपका अच्छी side है, और, इस इसको आपका yes, है? Exactly. और expression को किसी तरीके से vilify किया जाता है और उसका mm -hmm. एक वीकनेस समझा जाता है कि वन यू प्रेस यूरसेल्स आपको पता है कि एंटॉन लेवे ने क्या कहा भाजी अगर आप एंटॉन लेवे को देखें तो एनटॉन mm लेवे -hmm. जो है द फाउंडिंग फादर ऑफ दिज्म द मॉडर्न डे डेटनिजम जिसे हम कह सकते हैं उसकी जो एक सेटन एक बाइबल भी उसने लिखी ना एंटोन लेवे ने बेसिकली वहाँ पे वट ही यूज टू डू ही टू वर्क विद यानी इन द चर्च एग्जैक्टली आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली उसने क्या देखा कि द पीपल हु टू टू कम द चर्च फॉर सर्टन डेज वो आके अपनी मॉरल्स इंड स्ट वो देखते थे कहता था मैं जब इनको फलान फ्ला जगह जा पे देखता था वो ड्रिंकिंग थिंग तो मैं कहता था वाट इज दिस सेपोक्रेसी कि यानी बाहर जा कर तुम ये करते हो और यहाँ पे आकर तुम अपने आप को कमिटमेंट शो करते हो और कन्फेशन भी कर रहे हो गिल्टी भी हो रहे हो सो वाई नॉट एक्चुअली एक्सेप्ट ईवल साइड वाई नाट लेट यूर तो वो कहता है बेसिकली दैट्स व्हाट ही सेज इज नॉट अबाउट अबाउट वर्शिपिंग इट्स बेसिकलीटनिज्मल साइड डोमिनेट एंडेल एंड एक्सेप्टिंग इट एंड इट तो वो कहता है कि यू नो मेकिंग योर ऑन उसकी बाकायदा सेटनिक बाइबल के अंदर भी मैंने मुझे याद है मैंने पढ़ी थी तो सेटनिक बहुत पहले की बात है आज से कोई आठ दस साल पहले तो उस सेटनिक बाइबल से उसने लिटरली जो उसकी वर्सेज मुझे अभी याद पड़ती हैं तो उसमें उसने कहा था इट्स ऑल अबाउट यू नो

उसके अंदर बिटवीन द लाइन ये बात है देर इज नो टुमारो डू वट एवर यू कैन इस अबाउट लिबर्टी इस अबाउट फ्रीडम वो जो आपने एक्सप्रेशन expression की बात भी की इस अबाउट लिबर्टी इस अबाउट फ्रीडम इस अबाउट गो डूइंग वट एवर यू लाइक ठीक है और हमारा जो दीन है व्हाट अबाउट इट अब्दुल्लाह सबमिटिंग सबमिटिंग बॉन्डेज बॉन्ड्समैन अमतुल्ला अब्दुल्ला इज अबाउट कंट्रोलिंग अच्छा ये जो आपने अभी बात कही है ना कि उसने आ, हमारी साइकोलॉजी हमें कहती है कि एक्सप्रेस करो ये तुम्हारा एक बुनियादी रहा है जेंडर इस चीज़ को प्रमोट किया जा रहा है कि को को कबूल किया जा रहा है ठीक है ये जो कैपिटल पनिशमेंट को खत्म करने की बात है वो है इसके पीछे अच्छा ठहरिए ये जो एक्सप्रेशन की इजहार की जो एक इतनी जबरदस्त अर्ज है ना ये कहाँ से आ रही है ये शैतान से आ रही है चलिए आपकी बात करते करते मेरे सामने वो एक हदीस आ गई और हकीकत ये कि मुझे इस खुद इस हदीस ने बहुत दहला दिया था hmm. नबी अकनीम सा ने फरमाया कि इंसान को शैतान जो है यही एक्सप्रेशन पर उभारता रहता है फुलफिल इट क्योंकि तुमने फुलफ़िल नहीं किया तो ये इतनी ताकतवर हो जाएगी कि तुम्हें कंट्रोल कर लेगी तो वाई नॉट गिविंग बट इट इट आस्क इट आस्क ठीक है ना यही कहता है ना तो क्या हुआ कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि शैतान इंसान को करता रहता है करता रहता है ल्यूर करता रहता है हती के क्या होता है नज़ा का आलम आ जाता है hmm. फिर आखिरी दफ़ा आता है छोड़ता hmm. फिर भी नहीं आखिरी दफ़ा आता है कहता है अब अगर मुझे सजदा कर लो hmm. तो तुम्हारी बचत तो होगी hmm. अच्छा अब नज़ा का आलम वगैरह ये है कि उसमें आप मेडिकली अलाइव हो hmm. लेकिन यू नेवर गेट द चांस टू कॉन्टैक्ट विद दुनिया पीपल अगेन नो वन नोज वट हैज एक्चुअली हैपन्स विद एवरी हु हैज ऑलरेडी डाइड उस नज, नजा के वक्त में जिसमें पता नहीं कितने गिरे। क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है ना किसी ने बताया आपको नहीं पता यही वजह है कि अल्लाह ने अपने बंदे का हिसाब किताब जो है ना वो सिर्फ अपने साथ रखा है अल्लाह जानता है कि एक बंदा अपेरेंटली उसने कैसी जिंदगी गुजारी और नजा के वक्त में उस वक्त वो उस टेस्ट में वो कामयाब हुआ या नहीं हुआ जो कि बहुत लाइकली है कि नहीं हुआ ठीक है ना क्योंकि इंसान की अपनी जान पे बनी होती है ना और बंदा कहता है तिनके का भी सहारा मिल जाए तराकिया वल साक साक। वो जो वक्त होता है ना उस वक्त अंदर के अंदर शैतान आके ये वाली बात करते हैं इंसान ज्यादा इंसान का यहाँ पे ना एक तो एक्सप्रेशन को मैं रिलेट कर दू डॉक्टर Obviously, that's also a part of expression. Mm he -hmm. wants to express his evil side, mm -hmm. ko, and he wants to experience that as well. Mm -hmm. I think we can, we can conclude with that as well, inshallah. If you wish to add something more, you can do that as well. We believe in the happy endings. Islam believes in the happy endings. And some of the greatest uh, masterpieces that we see in the West today they are all tragedies.

हम बिया की स्टोरीज़ पढ़ते हैं एट दफ़ द डेज़ ऑल अबाउट हैप्पी एंडिंग दे आर ऑल सक्सेसफुल ईवन परसन गिविंग लाइफ यानी हस् खातून को भी देखते हैं जिसने अपनी सारी अपनी उसके हस्बैंड भी शहीद हो गए बेटा भी शहीद हो गया सब कुछ शहीद हो गया शी स्टिल स्टिल फाइंडस कन्टेंटमेंट एंड हैप्पीनेस वन शी रियलाइज द प्रोफेसर लाइफ एंड शी इज़ गिवन अप एवरी थिंग और uh, हम वर्स्ट से वर्स्ट uh, जो है ना वो चीज़ें देख रहे हैं हज़रत हमजा की एक शहादत बहुत बड़ी तकलीफ थे अल्लाह के रसूल के लिए भी इवन सबसे बड़ी बात छोड़ें उससे भी बड़ी बात हजरत जो वाक इफ़ है तो अल्लाह कहते हैं कि तुम उसको अपने लिए बुरा समझते हो لكم ठीक है ना तुम उसको शर समझते हो अपने लिए बलूआ खैरुम तो तुम्हारे लिए खैर है उसमें और वो जिस तरीके से शहीद हुए हैं कि मतलब अल्लाह अल्लाह अल्ला के रसूल से ने फरमाया कि अगर मुझे अपनी जो पुपी सईद सफ़िया जो थी उनका उनकी तकलीफ का डरना होता कि वो अपने भाई को देखेंगी और वो किस तरीके से परेशान होंगी और उनको तकलीफ़ होगी ये देखती है तो मैं हिदिन हमज़ा को इसी तरह छोड़ देता और उनको परिंदे और वो जो खाते परिंदे भी खाते उसको जान। और जानवर भी खाते दरिंदे भी खाते और क़ियामत के दिन जब अल्लाह उनको उठाते तो वो परिंदों के पेटों से उनको अल्लाह जिंदा करते तो यानी उनकी कबर बन जाती यानी इमेजिन दैट दैट इवन दिस टाइप ऑफ एंडिंग दैट अपीयर्स टू बी एक्सट्रीमली ट्रैजिक इट्स हैप्पी एंडिंग और अल्लाह के रसूल ने कहा कि फिर उनकी वो जो हालत थी कि उनके ऊपर कपड़ा डाला जाता था तो वो, वो पैर उनके कवर में कवर हो जाते थे तो फिर सर नंगा हो जाता था सर को कवर करते थे तो पैर नंगे हो जाते थे बट द सेम टाइम इट्स ऑल अबाउट हैप्पी मतलब है ना एट द एंड ऑफ द डे मतलब अगर आप फ्राम इस्लामिकव देखें इट्स अ बैड एंडिंग अच्छा hmm. अच्छा so, अच्छा ये ये के के लिहाज से तो उसने तो एक एक अच्छा I mean, काम I mean, कर लिया ना ना मैं इस्लामिक लेकिन से आ, अच्छा, यहां पे, अभी आपने आपने बात बात की कही थी कि hmm. ये जो है ना, लवो, लवो की बात आपने करते हुए कहां को बहुत पढ़ा है जी जी. आपने कहा कि उसने कहा कि आके जो तोबा करते हो तो कबूल करो खकेड़ी खत्म करो ना अच्छा ये कबूल करनी पड़ेगी जो आपकी अच्छाई और बुराई साथ, साथ चलती है ठीक है फ़र्क सिर्फ इस बात का होता है कि आपका कौन सी साइड पावरफुल है यानी अभी जो हमने बात कही थी ना कि एवरी सेंट हैज़ अ पास्ट और एवरी सेंट हैज़ अ फ्यूचर ये जो बात है यह हमारे दीन के एतबार से ये बिल्कुल ठीक बात है कि एक बंदे के अंदर से खैर की उम्मीद कभी भी ख़त्म नहीं होती नहीं। अभी आप यहाँ पे बात कर रहे थे ना हैप्पी एंडिंग की आपने तो अच्छे लोगों की मिसाल दी ना जो अपेरेंटली दुनिया के नज़र में है। उनको कह लीजिए फेलियर है ये शहादत हुई या सिंहार की बिल्कुल कल हुई और बहुत दिल को तकलीफ़ होती है इसमाइल हनिया की हुई और फिर वो जो हिज़बुल्लह के जो थे और ये है कि लेकिन आप देखें वो ज़रा याद जहन में लेके आइए वो जो सूर्य यासिन के जो शख्स हैं फरहीन अभी मैं आता हूँ नहीं वो बड़ी जबरदस्त अच्छा इसको थोड़ा सा उस पर भी ले आइये ना जरा जो गुनागार था जो गुनागार था उसके अंदर भी कोई उम्मीद है रे ऑफ होप है बिल्कुल है बिल्कुल है क्योंकि आपको पता है अभी आप जब ये बात कर रहे थे ना खातून की तो मेरे जहन में वो खातून आ रही थी कि वो जिन्होंने कुत्ते को पानी पिला दिया एकदम टेंडर हार्ट हुआ वो उन साहब की आई जिन्होंने इतने क़तर कर दे कर दिए तो उसके बाद तोबा का ख़्याल आया और उन्होंने वो किया तो यानी ये, ये आप ये देखिए कि ये जो अल्लाह का मामला अपने बंदों के साथ जाती-जाती और फ़र्दन फरदन और अल्लाह रबुल्ज़त वो जो है ना यो मतुबरा उस दिन अल्लाह तेमाल को वज़न देने हैं और वह वज़न इसी फरव फरव के साथ ये इसी जो है ना जो क्या आप कह लीजिए वो जो टेंडरनेस भी कर लीजिए और हार्डनेस भी कर लीजिए उसके साथ वो जो होंगे बहरहाल मेरा ख्याल है कि बहुत डिस्कशन 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 और होपिं तो और होपिंग टू सी अब मेरी आपसे एक और भी रिक्वेस्ट जी जी भी है हमारे ऑडियंस के सामने ही और वो ये रिक्वेस्ट ये कि एक दफ़ा हमने वो फ्रेंकस्टाइन भी करनी है आप कर लीजिए एक दो जो आपने पहले पढ़ी हाँ। हुई है असल में आपको जरा ये होता है कि मुझे किताब पढ़नी पड़ेगी तो हाँ। मुझसे वो वाला काम करवाएं जो मैं पहले करके रखा हुआ है तो लेकिन असल में मैंने मैंने बुक्स कुछ लिखी हुई थी आठ दस जो ऑलरेडी मैंने तैयार थी उनके लिए हाँ। तो अगेन आई कैन आई वुड लव टू नहीं फिर करेंगे वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी आ, और उसमें भी वही बात है, अहले अकल के लिए सीखने के लिए बहुत और जारे अल हिकमतु दालतुल अगेन बाय दिस जैसे कि हमारी डिस्कशन हो रही है कि इट्स नॉट अबाउट प्रमोटिंग अ सर्टेन टाइप ऑफ कंटेंट और सुसाइडल चीजों को ट्रैजडीज़ को हम यहाँ पर प्रमोट नहीं कर रहे थे मेन आईडिया इज टू एक्चुअली लर्न लेसंस और हदीस में जैसे अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल अल हिक या फिर हिकमतु दालतुल ऊबालतमिन कि जो हमत है वो एक मोमिन की छुपी गुमी हुई चीज़ है तो मोमिन को जहाँ से कोई हमत मिलती है अच्छी चीज़ मिलती है उसको और अंदर रीज़न बाई बी अब डन दैट डज वेल अगेन कुछ uh, बहुत सी थोड़ा सा लाइटर मोड में भी कुछ चीज़ों को डिस्कस करना चाहिए का का बहुत ज्यादा भी कनेक्ट कर रहे हैं मतलब कहने का मतलब है बहुत खुश किताबें भी बहुत हमने बहुत हमें हो मुझे याद है कि हम क्लासिकल किताबें भी पहले बयान एजाजल को आन इमाम ख़ताबी की डिस्कस कर चुके हैं और इसके बाद अगली किताब इंशाल्लाह उस पे हम इमाम गजाली को लेके लेके आएंगे तो कुछ चीज़ें ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा फिलोसॉफिकल बहुत ज़्यादा एकेडमिक हो जाती हैं सो ऑन अ लाइटर मोड तो हम किस तरीके से